हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये आपका चैप्टर चैप्टर थर्ड है। ओके, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, अब इसमें देखो एक्स और वाई के वेरिएबल है, वेर x and y are variables, यानी कि x y क्या है, टू वेरिएबल्स है। ओके, और a b c क्या है आपका, a b c आपका कॉन्स्टेंट है, रियल नंबर है। ओके, एंड ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ओके, और साथ में ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता है। अगर ए जीरो होगा तो बी जीरो नहीं होगा, अगर बी जीरो होगा तो ए जीरो नहीं होगा। Also, A and B both cannot be zero together. Okay? अब देखो बच्चे, इसे लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं। एक्चुअली आपने बोरोनवेल में पढ़ा था कि जब उस बोरोनवेल को हम लीनियर बोरोनवेल बोलते हैं जिसमें वेरिएबल पावर क्या वन हो, यानी जिसका डिग्री वन हो। अब देखो बच्चे, यहाँ इसका डिग्री कितना है, एक्स पर पावर क्या है, कुछ नहीं तो वन है, वाई पर पावर क्या है, वन है, तो डिग्री इसका वन है, इसलिए क्या है, लीनियर। अगर पॉलीनोमियल की बात करें तो लीनियर है, चूंकि ये क्या है, इक्वल टू जीरो है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अगर यहाँ पे इक्वल टू जीरो अगर नहीं होता, इसे क्या बोलते हम लोग, लीनियर पॉलीनोमियल बोलते हैं। ओके, जब कोई भी लीनियर पॉलीनोमियल किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन। यहाँ क्या है, इक्वल टू जीरो है, बोलेंगे इसे लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका यही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। ओके, इसमें ए क्या है, ए बी सी तो रियल नंबर है, साथ में ए है क्या, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई है, और सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। तो नीचे लिख देते हैं, ए क्या है, ए ए क्या है, इसे बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स क्या, एक्स में क्या मल्टीप्लाई, कौन सी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई है, तो ए मल्टीप्लाई है एक्स में,
ये बोलेंगे ए को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी क्या है, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई, बी है वाई का, ये बी वाई में मल्टीप्लाई है, बी को क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वाई, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई। और आपका सी क्या है, सी आपका कांस्टेंट टर्म है, जिसमें वेरिएबल नहीं है, जिस टर्म में वो टर्म आपका क्या कांस्टेंट टर्म है, तो सी क्या है कांस्टेंट टर्म है, सी इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। ओके, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, मैं एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिख रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो दिया हुआ है -2x + 3y = 10। अगर आपको कहे कि इसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाओ, यानी इस फॉर्म में लाना है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए राइट साइड इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इस फॉर्म में ले आते हैं हम लोग, देखो तो इस यहाँ पे 10 क्या है, राइट साइड है, तो 10 को आप लेफ्ट साइड ले आओ, प्लस माइनस हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड क्या बचेगा, जीरो। दिस इंप्लाय दैट इस लिख सकते हैं हम लोग -2x + 3y - 10 = 0। आ गया किस फॉर्मेट में, ये आ गया ax + by + c = 0 के फॉर्म में आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब x का कोएफिशिएंट कितना है, देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -2, x में क्या मल्टीप्लाई है -2, यानी a के जगह पे क्या लिखा हुआ, -2 लिखा हुआ, तो a = क्या हो जाएगा, हियर a = हो जाएगा -2। और कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या b होता है, तो b की जगह पर यहाँ क्या है 3 है, तो b = हो गया 3। और कांस्टेंट टर्म c है, तो c की जगह पर क्या लिखा हुआ है -10, तो c = हो गया -10। इस तरह से आपका a हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x, b हो गया कोएफिशिएंट ऑफ y, c हो गया कांस्टेंट टर्म। ओके, इस तरह से अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल गिवन है, तो आप x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी a b c। ओके, आते हैं हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज आपका है ये 3.1 है। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए बुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कहते हैं एक नोटबुक का कॉस्ट एक पेन के कॉस्ट से दुगुना है, ट्वाइस है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ओके, यहाँ हिंट दिया हुआ आपको, एंड कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को आपको एक्स लेना है, और एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन को क्या लेना है, वाई लेना है। ओके, देन एक्स एंड इक्वेशन आ जाएगा एक्स और वाई में, 3.1 है। लेट कर लो, एक्स क्या है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एक्चुअली क्या है
किस में रिलेशन है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन में एक रिलेशन है कि नोटबुक का कॉस्ट पेन के कॉस्ट से दुगुना है, ट्वाइस है। एक को एक्स मान लो, दूसरे को वाई मान लेते हैं, एंड वाई किसे मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन को कॉस्ट हमने क्या मान लिया, वाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ये लिखा हुआ है। तो क्या कह रहा है, सिंस लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल टू क्या है, ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट, ट्वाइस ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ये कह रहा है। क्या कह रहा है कि एक नोटबुक का कॉस्ट किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो नोट कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या क्या माना हमने, एक्स, तो इसकी जगह एक्स लिख देंगे, और कॉस्ट ऑफ पेन की जगह पर क्या लिख देंगे, वाई। तो लिख लेते हैं हम लोग, यानी इन अदर वर्ड्स आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, दिस इंप्लाय दैट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल टू ट्वाइस, मतलब क्या, टू टाइम्स, टू इंटू द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ओके, दिस इंप्लाई दैट द कॉस्ट ऑफ योर नोटबुक कितना है, एक्स है, और इक्वल टू टू इंटू द कॉस्ट ऑफ ए पेन कितना है, वाई है। कितना आ गया, दिस इंप्लाई दैट एक्स इक्वल टू आ गया टू वाई। ओके, अब चाहो तो इसको इधर ले आओ, राइट साइड लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, यही हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आ गया, यानी इस फॉर्म में आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे एक्स में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, तो वन मल्टीप्लाई, ए कितना, वन है, और बी की जगह पर यहाँ क्या है, माइनस टू है, और सी की जगह पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब जीरो है, प्लस कुछ नहीं है तो प्लस जीरो है, इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देंगे दिस इज द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा था कि ये कहते थे कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, कहते राइट द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये आंसर हो गया, जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आ गया। ओके, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है आपका। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को जीरो, यानी कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको तो इस लीनियर इक्वेशन को एक्सप्रेस करिए, ठीक है, और एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, कहते ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करिए, यानी ए है क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी है कोएफिशिएंट ऑफ वाई, सी है कॉन्स्टेंट ऑफ, ये ना एक्स का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी कॉन्स्टेंट, ए बी सी की वैल्यू बतानी है आपको, तो कर लेते रहते हैं, यानी आपको कुछ नहीं है, बस इसको इस फॉर्म में लिखना है, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में क्या है, इक्वल टू दिस है, लेकिन इसमें क्या है, इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब इसको यहाँ से हटा के इसको लेफ्ट हैंड साइड लाना है, ये प्लस में तो इधर क्या माइनस हो जाएगा, राइट साइड क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग, टू एक्स प्लस थ्री वाई
9.35 पे बाहर है, लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट कितना है, 2x + 3y = 2.35 बार, एन 9.35 बार, 9.35 पे बार है बेटे। प्लस में इधर आओ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट 2x + 3y - 9.35 बार = 0 हो गया। अब किस फॉर्म आ गया, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, कन्वर्ट हो गया ax + by + c = 0 के फॉर्म में आ गया। इसी फॉर्म में आपको लाना था, आ गया, एक आंसर हो गया। अब कहता है इंडिकेट करिए ए बी सी की वैल्यू कितना है। अब बताओ ए की जगह पर यहाँ क्या है, 2 है, एक्स में क्या मल्टीप्लाई, 2, एक्स में यहाँ ए मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू कितना आ गया, हियर a = 2 आ गया। अब b की जगह पर क्या देखो तो 3 है, तो b = क्या हो गया, 3। c की जगह पर क्या है, -9.35 बार, तो c = हो गया -9.35 बार, ये आंसर हो गया। हमने पहले ax + by + c = 0 के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद ए बी सी के वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ऐसे सारे करना है। हम जो सेकेंड पार्ट क्या है, x - y / 5 - 10 = 0, लिख लो सेकेंड पार्ट, x - y / 5 - 10 = 0। ओके, अब जो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये लीनियर इक्वेशन, इस सारे बीच में क्या प्लस साइन है, तो सब कुछ प्लस साइन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, लिख लो। तो कैसे लिखेंगे देखो बच्चे, ध्यान दो। अब जैसे आपको कोई चीज़ आपको दिया हुआ है, जैसे y बाई फाइव है, इसका मतलब क्या है, तो 1/5 × y, इसका मतलब ये है 1/5 वाई में क्या मल्टीप्लाई है, तो y का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1/5। तो ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, x - 1/5 × y - 10 = 0, दिस इंप्लाई था, इसे लिख सकते हैं x + ये माइनस को 1/5 के साथ कर दो, -1/5 y + - को क्या 10 के साथ कर दो, चूंकि माइनस किसका 10 का है, = 0। अब देखो बच्चे इस फॉर्म में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ax + by + c = 0 के फॉर्म में आ गया। अब देखो एक एक्स में क्या मल्टीप्लाई, ए यहाँ पे, यहाँ एक्स में क्या मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो 1 है, तो a = कितना आ गया, हियर a है 1, b कितना है, तो b कितना है, बी वाई में बी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ वाई में क्या मल्टीप्लाई है, -1/5, और c कितना है, c की जगह पर है -10, ये ए बी सी का वैल्यू आ गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, -2x + 3y = 6। -2x + 3y = 6, यही है। ओके, यही है, -2x + 3y = 6। अब बेटे जो राइट साइड क्या है, 6 है, राइट साइड 0 होना चाहिए, तो 6 से 6 को किधर लाओ, लेफ्ट हैंड साइड, प्लस से माइनस हो जाएगा, और राइट साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, कर लाओ। दिस इंप्लाई दैट -2x + 3y - 6 = 0, सिंप्लाई दैट -2x + 3y - 6 को लिख सकते, +-6, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही आएगा, = 0।
आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में आ गया। तो ए कितना, यहाँ देखो, तो ए की जगह पर क्या है, देखो ए की जगह पर है माइनस टू, देयर फोर क्या हो गया, ए इक्वल टू हो गया माइनस टू, बी इक्वल टू हो गया थ्री, और सी की वैल्यू कितना है माइनस सिक्स, सी कितना है माइनस सिक्स। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। पहले तो हमने फर्स्ट आंसर आपका ये हो गया, फर्स्ट तो ये हो गया, हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो को फॉर्म में लिया है। फिर सेकेंड है ए बी सी की वैल्यू कितना है, आपका ए बी सी की वैल्यू ये है। ओके, बाकी सारे क्वेश्चन ईजी हैं। ओके, जैसे फोर्थ पार्ट है, देखो क्या है, एक्स कल टू थ्री वाई, एक्स कल टू कितना है, एक्स इक्वल टू थ्री वाई। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लानी है, तो राइट साइड की इक्वल टू जीरो करना है, राइट साइड क्या करना है, जीरो की इक्वल करना है। राइट हैंड साइड में है क्या, यहाँ थ्री वाई, थ्री वाई को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, प्लस एक क्या होगा, माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट क्या आएगा, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब इसे लिख सकते हैं, इसे एक्स प्लस माइनस थ्री के साथ कर देंगे वाई, और चूँकि कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, प्लस कुछ नहीं, प्लस जीरो है, प्लस जीरो। ओके, इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ किस फॉर्म आ गया, ये आ गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को जीरो के फॉर्म में आ गया। तो ए कितना है यहाँ पे, एक्स में क्या मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो वन है, तो ए इक्वल टू वन आ गया, बी इक्वल टू माइनस थ्री आ गया, और सी इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, कितना टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव वाई। टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव वाई, तो राइट साइड को जीरो करो, तो जो राइट साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, माइनस एक प्लस हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट टू एक्स प्लस फाइव वाई को जीरो। अब यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म कुछ प्लस नहीं थे, जीरो है, समझ, कॉन्स्टेंट टर्म क्या, जीरो है। तो लिख सकते इसे टू एक्स प्लस फाइव वाई प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। तो आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो के फॉर्म आ गया। तो यहाँ ए कितना है, ए इक्वल टू यहाँ पे टू है, बी कितना है, बी की जगह पर क्या है, फाइव है, सी कितना है, सी की जगह पर जीरो है। ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब थ्री एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, थ्री एक्स प्लस टू, थ्री एक्स प्लस टू इक्वल जीरो। अब देखो यहाँ पे वाई का टर्म नहीं है, यानी एक्स का टर्म है और कॉन्स्टेंट टर्म है, अगर वाई का टर्म नहीं है तो इसका मतलब वाई का कोएफिशिएंट जीरो होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं, देखो बच्चे, ऐसे थ्री एक्स प्लस जीरो इंटू वाई प्लस टू इक्वल जीरो, आप लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, जीरो, देखो जीरो इंटू वाई कितना होगा, जीरो ही होगा, जीरो में टू प्लस करोगे तो क्या आएगा, टू ही आएगा, तो थ्री एक्स प्लस टू ही रहेगा ना, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ओके, तो आप याद रखो जो टर्म प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट जीरो है, यहाँ पर वाई नहीं प्रेजेंट है तो वाई का कोएफिशिएंट क्या लेंगे, जीरो ले लेंगे। ओके, हमने यहाँ पर जीरो ले लिया, जीरो इंटू वाई। ओके, तो अब आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, यहाँ पे ए कितना है, थ्री है,
बी जीरो है और सी कितना है, टू है। ये आपका आंसर हो गया। सेवंथ क्या है, सेवंथ नंबर में वाई माइनस टू इक्वल जीरो, y माइनस टू इक्वल टू जीरो, y माइनस टू इक्वल जीरो। यहाँ पे देखो x का टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब x का कोएफिशिएंट क्या लेंगे, जीरो लेंगे। इसको लिख सकते हैं जीरो प्लस y माइनस टू इक्वल जीरो लिख सकते हैं। अब जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो जीरो के साथ हम क्या करेंगे, अब x से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इंप्लाई दैट जीरो इंटू एक्स प्लस वाई में कुछ नहीं मल्टीप्लाई तो वन मल्टीप्लाई है, वन इंटू वाई माइनस टू है तो माइनस टू लिख सकते हैं, प्लस माइनस टू इक्वल जीरो लिख सकते हैं आप। अब आगे किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो के फॉर्म में आ गया। तो ए कितना है यहाँ पे, ए जीरो हो गया, बी कितना है वन हो गया, और सी कितना है, सी आपका माइनस टू है। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी जो टर्म प्रेजेंट नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या लेंगे, जीरो ले लेंगे। ओके ध्यान रखना है। लास्ट दो क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन बच्चे फाइव इक्वल टू टू एक्स, फाइव इक्वल टू टू एक्स, फाइव इक्वल टू टू एक्स। ओके तो ऐसा करते हैं हम लोग, इस टू एक्स को राइट साइड है इसको इधर ले आओ, तो प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट फाइव माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स वाला टर्म पहले लिखते हैं, वाई वाला टर्म बीच में लिखते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट में लिखते हैं। तो ऐसा करते हैं ये जो एक्स वाला टर्म इसको पहले लिख दो, अब फाइव को इधर बाद में लिखो कॉन्स्टेंट टर्म को। ओके तो दिस इंप्लाई दैट लिखेंगे माइनस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ओके अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट यहाँ पे वाई का टर्म प्रेजेंट नहीं है, वाई है नहीं है, इसका मतलब वाई का कोएफिशिएंट क्या लेंगे, जीरो। तो वाई हम लोग क्या लिखते हैं, बीच में वाई वाला टर्म को बीच में लिखते हैं, तो एक्स और कॉन्स्टेंट के बीच में यहीं पे वाई वाला टर्म को लिख देंगे। तो दिस इंप्लाई दैट लिखेंगे माइनस टू एक्स प्लस वाई नहीं है वाई का टर्म, तो वाई का कोएफिशिएंट जीरो लेंगे, जीरो इंटू वाई प्लस फाइव इक्वल जीरो आ गया। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो के फॉर्म में आ गया। तो ए कितना है यहाँ पे देखो, तो ए के जगह पर क्या है, माइनस टू है, तो ए इक्वल टू हो गया माइनस टू, बी के जगह पे क्या है जीरो, तो बी इक्वल टू जीरो हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वाई, और कॉन्स्टेंट टर्म सी कितना, फाइव है, सी इक्वल टू फाइव हो गया, ये आंसर हो गया। ओके बहुत ईजी है, आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो के फॉर्म में लाना है, देन ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके